गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज आपकी हिंदी की क्लास है और हम आपको अमात्रिक शब्द पढ़ाने वाले हैं। अमात्रिक शब्द का मतलब क्या होता है? वो शब्द जिसमें मात्राएं नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अमात्रिक शब्द। वो दो वर्णों वाले भी, तीन वर्णों वाले और चार वर्णों वाले, तीनों तरह के होते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले दो वर्णों वाले, तीन वर्णों वाले और चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए, आप ये जो क्लास चल रही है ना, इसको अच्छे से देखिएगा और देखिएगा मैम कैसे रीड कर रही हैं, क्योंकि ऐसे ही आपको भी रीड करके अपना वीडियो बनाना है और हमें सेंड भी करना है। लेट्स स्टार्ट। क ल कल, च ल चल, न ल नल, फ ल फल, ज ल जल, थ ल थल, द ल दल, ह ल हल, त न तन, म न मन, ध न धन, फ न फन, क र कर, च र चर, न र नर, अ ब अब। अब हम तीन वर्णों वाले शब्द पढ़ेंगे। क म ल कमल, न य न नयन, प व न पवन, भ व न भवन, ह व न हवन, श ह द शहद, च म क चमक, द म क दमक, न ग र नगर, श ह र शहर, प ह र पहर, ज ह र जहर, ब ट न बटन, न म न नमन, न म क नमक, क ल म कलम। ठीक, दो वर्णों वाले शब्द हो गए, तीन वर्णों वाले शब्द आपने पढ़ लिए, अब हम चार वर्णों वाले शब्द पढ़ेंगे। क ट ह ल कटहल, उ प व न उपवन, प न घ ट पनघट, ट म ट म टमटम, क स र त कसरत, अ च क न अचकन, क र व ट करवट, म ख म ल मखमल, ख ट म ल खटमल, श र ब त शरबत, न फ र त नफरत, अ न ब न अनबन। ठीक है, आप आई होप आपने ये जो दो वर्णों वाले, तीन वर्णों वाले, चार वर्णों वाले शब्द हैं, इनको अच्छे से सुना होगा। तो अब आपको ऐसे ही जो पिक खींच के दी जाएगी, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और रीड भी करना है, और रीड करते हुए आप अपना वीडियो बनाएंगे और हमें ग्रुप में सेंड करेंगे।